आज हम लोग ने यह अनुष्ठान लिया है और बाबा से आशीर्वाद मांगा है कि जो हम ASI जांच की मांग हमने की है और उसको कोर्ट में आज दायर करने जा रहे हैं, उसमें महादेव हमें सफल बनाए। हमारी मांग यह है कि पूरे परिसर का ASI जांच कराया जाए, जिसमें 3 गुम्बद के नीचे जो हिंदू मंदिर के शिखर हैं उसकी जांच हो, मस्जिद की वेस्टर्न वॉल की जांच हो और पूरे परिसर में GPR सर्वे लगाया जाए। GPR रेडार के बाद अगर नीचे चीज़ें मिलती हैं तो फर्दर एक्सकेवेशन के ऑर्डर्स किए जाएं। अभी जो ऑर्डर हुआ है उसके बाद ये नई मांग आज आप लोगों के द्वारा दायर की जाएगी? जी बिल्कुल, ये नई मांग आज दायर की जाएगी और मुझे लगता है पूरी उम्मीद है कि 2 बजे इसमें माननीय ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के सामने सुनवाई होगी। बात करें आज दर्शन किए, क्या मांगा बाबा से? बाबा से यही मांगा कि जो हमारा अनुष्ठान है कि यहाँ पे बाबा आदि विश्वेश्वर का भव्य मंदिर बने और ये जो पूरा परिसर है ये मुक्त हो इस गैर कानूनी कब्जे से, उसके लिए हमने मांग की और पूरी कोशिश है कि बाबा हमें इस अनुष्ठान में सफल बनाए। आज आप लोग कहाँ पे दर्शन, कहाँ पे पूजा हुई है? आज हम लोग ने यहाँ पे रुद्राभिषेक किया और बाबा के दर्शन किए। अनुष्ठान नंदी के बगल में जो महादेव जी का मंदिर है, स्थान है, वहीं पे हमने पूजा पाठ। सर ये बताइए कि जो हाईकोर्ट ने जो कार्बन डेटिंग के लिए कर दिया है, अगर कार्बन डेटिंग होती है तो उससे किस तरीके का सबूत सामने आएगा? देखिए, कार्बन डेटिंग का हाईकोर्ट ने ऑर्डर नहीं किया, मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूंगा। हाईकोर्ट ने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का रास्ता क्लियर किया है। हाईकोर्ट ने ये कहा है कि यहाँ पे GPR सर्वे, जो ASI की रिपोर्ट थी हाईकोर्ट के सामने, वो यही थी कि हम GPR सर्वे करेंगे, नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड से डेटिंग करेंगे जिसमें पार्टिकल नहीं लिया जाएगा शिवलिंग का। जो शिवलिंग के ऊपर 5 खांचे बने हुए हैं उसकी जांच की जाएगी, उससे पता लग सकता है कि ये छेड़छाड़ कब हुई है, और अगर GPR के बाद लगता है कि यहाँ नीचे कुछ कंटेंट है तो फिर एक्सकेवेशन किया जाएगा। तो इसलिए इसको गलत तरीके से पेश किया गया कि हाईकोर्ट ने कार्बन डेटिंग की मांग की है। हाईकोर्ट ने ASI के साइंटिफिक सर्वे की जाँच के ऑर्डर्स दिए हैं जिसपे आगे 22 तारीख को माननीय न्यायालय में फर्दर मॉडलिटीज तय करेगा। नाम सीता साहू है, मैं ज्ञानवापी परिषद की ज्ञानवापी और मां सिंगार गौरी की याचिका करता हूँ। आज 1 साल पूरा हो गया है ज्ञानवापी के मुद्दे को लेकर के, आप लोग सर्वे में आप लोग क्यों आए? आज देखिए, हमारा सीलिंग जो मिला था उसका 1 साल पूरा हुआ है, उस उपलक्ष्य में हम लोग आए थे यहाँ पे। जो नंदी महाराज जी है उनके सामने जो सीलिंग है वहीं पे बैठ के, नंदी महाराज के पास बैठ के हम लोग ने रुद्राभिषेक करवाया है और ये प्रार्थना की है बाबा से कि सारे मंदिर की, सारे परिसर की जांच हो, वैज्ञानिक जांच हो, ताकि जो सच सामने छुपा हुआ है कि हम लोग का मंदिर है वो सामने आ जाए। जो मंदिर की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है ASI की साइंटिफिक जांच के लिए, तो उससे क्या उम्मीद है कि कितनी सफलता हासिल होगी आपसे? 101% ये हम लोग को पूरा उम्मीद है कि हम लोग को सफलता मिलेगी, क्योंकि ये पूरा हम लोग को विश्वास है कि जो बाबा का शिवलिंग है उसके नीचे अर्धा भी है वो भी सामने आ जाएगा। अभी हम लोग ने ये मांग रखी है कि पूरे परिषद की जांच हो, जब पूरे परिषद की जांच होगी तो आप ही पता चल जाएगा कि वो मंदिर है, हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा, खुद बाबा ही बता देंगे कि मंदिर है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सदा आगे बढ़ेंगे और बस यही है कि आगे बढ़ते जाइए, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि, और हम लोग आपके साथ हैं, पूरी दुनिया आपके साथ है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप आगे बढ़ते जाइए, यही काशी बाबा विश्वनाथ से मेरा आशीर्वाद है बस। आज आप लोगों ने दर्शन किया, क्या मांगा बाबा से? बाबा देवास जो सही है कि जो संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर का उद्धार हो सके। हम 38 साल से ज्ञानवापी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और यह एक जो है हम विजय के देवड़ी पर आ चुके हैं, विजय अवश्य हमारी होने वाली है। आज हम लोग जो है 16 मई 2022 को जो वजू खाने में शिवलिंग मिले थे, आज 16 मई 2023 है, 1 वर्ष होने के बाद हम लोग पुनः बाबा के श्री चरणों में आए हुए हैं कि बाबा अब आपका उद्धार होना चाहिए। हमें याद है कि 1984 में हम नारा लगाते थे कि ज्ञानवापी नंदी करे पुकार, भोले बाबा का हो उद्धार, और उद्धार के निमित्त होकर हम लोग कई वाद दाखिल किए। आज पुनः जो है हम लोग नए वाद दाखिल करने जा रहे हैं। उस वाद में ये रहेगा कि जो केवल मात्र
शिवलिंग तक ही जो है वैज्ञानिक पंडल जांच हो, बल्कि पूरे संपूर्ण मस्जिद परिसर में जो है, और ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, पूरे कुरान में या इस्लामिक साहित्य में ज्ञानवापी मस्जिद शब्द नहीं है, ज्ञानवापी शब्द नहीं है। अगर होता तो ज्ञानवापी का तालीमी मस्जिद हो सकता था। बिल्कुल यह मुस्लिम समाज जो कह रहा है या मुस्लिम स्कॉलर जो कह रहे हैं, बिल्कुल यह भटकाने वाला है, लटकाने वाला है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।